एवरेस्ट बेस कैंप ये तो मात्र एक छोटा सा खेल था, असली कहानी अब शुरू होगी माउंट काला पत्थर से। लेट्स गो काला पत्थर, बोले तो हर हर महादेव। काला पत्थर, नाउ स्टार्ट द हेलरी स्टेप। पूरा यहाँ से चलना हम लोग को एकदम कछुए की रफ्तार में, स्लोली स्लोली। अभी थोड़ी देर बाद बोलने में भी हालत खराब होगी। दिस इज द नुप्से एंड उसके जस्ट बगल में लोत्से और उसके बगल में माउंट एवरेस्ट। हल्का हल्का मौसम खुल रहा है तो दिख रहा है। I love my Everest. That is the Everest. और ये खत्म हो रहा है, फॉग गया गया। हम लोग सच्चे मन से आते हैं ना तो दिख ही जाता है एवरेस्ट, चाहे मौसम कोई भी हो, बरसात का हो चाहे कुछ भी हो। और ये दिख गया एवरेस्ट और सभी लोग बहुत खुश है, वीडियो बना रहे हैं। बहुत इस माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए काफी टफ चैलेंज लेकर लोग आए थे। हैवी रेन के मौसम में खतरनाक ऑफ रोडिंग और भी बहुत चीज़ें थी। लोगों को हेडेक प्रॉब्लम हल्का हल्का फील हुआ, लेकिन फिर भी आए और फाइनली दिखाए एवरेस्ट। अब बारी है सेलिब्रेट करने की माउंट काला पत्थर के ऊपर। और काला पत्थर पर बनाया गया एक प्रमोशन वीडियो है, जब तक कंपनी से बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसको ब्लर ही रखना है। काला पत्थर सब कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग नीचे छोड़ते हुए। ए राम भाई, बहुत अच्छा सर्विस दिए, थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट टाइम आई विल कम। थैंक यू दोस्त, यस। अच्छा Let's go. तो दोस्त, जितना चैलेंज जाने में होता है उतना ही चैलेंज वापस आने में होता है, खासकर इस मोरेन में। मोरेन क्या है और मोरेन और ग्लेशियर में आपस में क्या संबंध है और बढ़ता हुआ मोरेन हमारे ग्लोबल के लिए कितना ज्यादा नुकसान है और कितना ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है, इस पर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब क्या सोचते हैं दोस्त, हम कहाँ पत्थर पर चल रहे हैं? ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर में बर्फ और वो सब मिक्स रहता है रॉक्स। ये देखो और ये देखो, दिस इज द आइस और इतनी हार्ड आइस है ना कि क्रैम्पॉन के साथ आप मारोगे तो धंसेगा नहीं इसमें, इट्स टू मच हार्ड और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी। तो दोस्त, रॉक दिखे और अपन क्लाइम ना करें, किस बात का रॉक क्लाइंबर में? जूते ना हो ना सही, नंगे पांव ही क्लाइम करना है, क्लाइम तो करना है।
मरेगी मरेगी। दोस्त ऐसी जगह देखना है तो आपको आना ही पड़ेगा, मोबाइल से कुछ नहीं होगा, एवरेस्ट बेस कैंप आना पड़ेगा। ये अपने खेत का आलू है? काफी बड़े हैं इतने हाइट पर। तरकारी हाँ दोस्तों पूरी बन चुकी है और अभी आपको उमर सिंह दिखाएंगे पूरी। पूरी दिखाओ और ये आप देख सकते हो अभी 15 दिन के बाद हम खाएंगे पूरी और सब्जी और दीदी ने बहुत हेल्प की हमारी। और सागर भाई कुछ बताओ आप भी। बस क्या है आज का कैसा? बस पहले इनको खिलाना नहीं तो सबको पेट में दर्द होगा, ये जानवरों को खिलाना ये मैं तो कहना चाहता हूँ, बाकी तो ठीक बात है। एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी में अगर कोई पूरी सब्जी खिलवा सकता है तो सिर्फ मैं खिलवा सकता हूँ और कोई नहीं। कितना भी पैसा दे दो आप पूरी सब्जी नहीं पॉसिबल है। आपको क्या लगा चैलेंज खत्म है? नहीं दोस्त, असली चैलेंज शुरू हो रहा है अभी, नाइट ड्राइविंग का, ऑफ रोडिंग नाइट ड्राइविंग। पहली बार ऐसा हुआ था कि इस रास्ते से नाइट में हम लोग ड्राइव करते हुए बाहर निकले और हम लोग पहुँचे काठमांडू में अगले 2 दिन बाद। इस तरीके से हम लोगों की पूरी जर्नी ख़त्म हो गई बहुत ही सेफ्टी के साथ और बिना एक खरोच के, बिना किसी को प्रॉब्लम हुए। एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर सबकी जर्नी कम्प्लीट हुई। चलो चलो मल्लू भाई, मल्लू भाई कोई भी एक दिल जान जहान किनारे किनारे मत चलो, किनारा टूट जाएगा, इस उदास मत रहो, हमारा दिल टूट जाएगा। फाइनली दोस्तों जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, सबसे अलग। नेक्स्ट ट्रिप 22 अक्टूबर को मैं बहुत ही जल्द लेकर जाऊंगा, अगर आपको जरा सा भी मन है इसमें जानने का तो 22 अक्टूबर को ज्वाइन होइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।